नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि अगस्त महीने के लिए हमारा जो सिलेबस है मैथ्स का वो क्या है। तो आइए क्लास 9 से लेके और क्लास 10 प्लस 2 तक सभी क्लासेस का अगस्त महीने का सिलेबस एक बार जान लेते हैं। बात करें अगर क्लास 9 की, तो क्लास 9 में अगस्त महीने के लिए आपके तीन चैप्टर हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, और चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक इसी तरह से अगर बात करें हम क्लास 10 की, तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन चैप्टर है। चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक इसी तरह से अगर बात करें 10+1 की, तो 10+2 10+1 में आपके लिए अगस्त महीने में दो चैप्टर हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर 7 जिसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक इसी तरह से अगर बात करें 10+2 क्लास के अगस्त महीने के सिलेबस की, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चैप्टर हैं। चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा अगस्त महीने का कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक का मैथ्स का सिलेबस। जिस तरह से आपके जुलाई मंथ के सिलेबस के बाद जुलाई सेट हुए अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक इसी प्रकार से आपके अगस्त महीने का जो सिलेबस है इसके बाद आपका सेट होगा, जिसमें ये जो चैप्टर है आपके आएंगे। तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।